गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करने के लिए। दोनों महान विभूतियों का आज जन्मदिन है, जयंती है उनकी, तो इस अवसर पे हम सभी उनको याद करते हैं। इनकी ऊंचाई का कोई दूसरा व्यक्तित्व शायद नहीं हो पाया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है RLJD के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो है गांधी जयंती मनाया जा रहा है, जहाँ पे कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करके उनका जो है जयंती मनाया गया। आइए और जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा गांधी जयंती को लेकर के क्या कुछ कहा। समिति के अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव और मुख्यालय का काम विशेष रूप से देख रहे प्रशांत पंकज जी, आज इस आयोजन में जिनका विशेष योगदान है, इंजीनियर हेमंत जी, सोनम पासवान जी और यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, जगह की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण नेता नीचे बैठे हैं, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से जो व्यवस्था हो सकती थी लोगों ने की है। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करने के लिए। दोनों महान विभूतियों का आज जन्मदिन है, जयंती है उनकी, तो इस अवसर पे हम सभी उनको याद करते हैं। आज न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में इनको याद किया जा रहा है। गांधी जी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अपने देश की सीमा नहीं, बल्कि दुनिया भर में इनकी ऊंचाई का कोई दूसरा व्यक्तित्व शायद नहीं हो पाया। ढूंढ रहे उपाय कि कैसे करें, और इनका बचपन उसी में बीता। मालूम होना चाहिए, सब लोग, अधिकांश लोग जानते होंगे, छोटी छोटी बातें हैं। स्कूल जाते थे तो नदी पार करके जाते थे, किसी तरह से जाते थे। तो इनका जीवन भी बाद में चलकर काफी सादगीपूर्ण जीवन इनका रहा, और थोड़ा ही कार्यकाल इनका प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा नहीं रहा, लेकिन जितना ही रहा यादगार रहा। कभी हिंदुस्तान नहीं भूलेगा उस समय जो संकट था, उस संकट से कैसे इन्होंने निपटने का काम किया। जय जवान जय किसान, एक तरफ विदेशी ताकतों के साथ मुकाबला, और देश में जो गरीबी भुखमरी की स्थिति थी उसके लिए अन्न उपलब्ध कराना, अनाज उपलब्ध कराना, जय जवान जय किसान, एक साथ दोनों को साधने का काम इन्होंने किया। इनका भी इतना बड़ा योगदान है इस देश के लिए, कभी यह देश इनके योगदान को भी नहीं भुला पाएगा। नहीं भूलना चाहिए, हम सब लोगों को भी इनके जीवन से भी संदेश ग्रहण करना चाहिए। तो दोनों महान विभूति, और आज की तारीख में जब हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत ही दुनिया में ऊंचा देश है, सबसे ऊंचा देश है। देखिए, हमारे देश की ऊंचाई या किसी भी देश की ऊंचाई, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती है उसकी ऊंचाई से देश की ऊंचाई नहीं मापी जाती है। खासकर हमारा देश, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनती है मुंबई में, चेन्नई में, कहीं भी, दिल्ली में, उसकी ऊंचाई से हमारे देश की ऊंचाई कभी नहीं मापी गई है। मापी गई है तो ऐसे जो महान विभूति है इनके व्यक्तित्व की ऊंचाई से हमारे देश की ऊंचाई को मापने का काम किया है। इन लोगों के कारण हमारा देश ऊंचा है और दुनिया में ऊंचा रहेगा। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कारण देश ऊंचा नहीं है, नहीं होता है, इनके कारण देश ऊंचा होता है। हम सब लोगों को भी याद रखना चाहिए। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम कहीं पहुंचे। तो पहुंचने में आजकल तो एक भौतिकवादी युग में एक अलग, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। मतलब है व्यक्तित्व की ऊंचाई,
बाकी धन संपत्ति कितनी कितना किसने अर्जित किया कोई मतलब उसका नहीं, व्यक्तित्व की ऊंचाई से मापा जाता है। देखिए जो भी इतिहास लिखा गया तो जो लोग समाज के लिए जिन लोगों ने काम किया, देश के लिए काम किया, उनके उनकी जो जीवनी है, उनका जो काम है, वही इतिहास। कितने लोग अब तक बड़े बड़े सेठ हुए, बड़े बड़े पूंजीपति हुए, उनका इतिहास थोड़े लिखा जाए, उनको थोड़े लोग याद रखता है। अपने देश में दो ही जो बड़े धनवान है हुए, उनको उसमें दो ही हैं जिनको याद रखा इतिहास ने याद रखा है। एक जिनको जिन्होंने गांधी जी को मदद की, पैसे वाले थे, उनका उनके पैसे का उपयोग देश की आजादी की लड़ाई में गांधी जी के लिए हुआ, आप सब लोग जानते हैं उनका नाम। और फिर एक महाराणा प्रताप साहब का हम नाम लेते हैं, उस समय भी एक हुए जिन्होंने उनको मदद करने का काम किया, तो भामा शाह और गांधी जी को बिरला शाह। पैसा के कारण अगर किसी को याद रखा गया तो उनका भी पैसा इन लोगों के काम में लगा, तो उसी दो व्यक्ति को इतिहास ने याद रखा है। बाकी और पैसे वाले लोगों का इतिहास कहाँ लिखा जाता है? इतिहास लिखा जाता है ऐसे लोगों का। इसलिए आज भले भौतिकवादी युग है लेकिन उसका बहुत अर्थ नहीं है। आप देख सकते हैं दो ही व्यक्ति बिरला, इसलिए गांधी जी के काम आया उनका पैसा, और भामा शाह महाराणा प्रताप के काम आया जिसने अपनी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। तो इसलिए बहुत उन चीजों का अर्थ नहीं है, हम सब लोगों को यह बात समझना चाहिए। तो आज हम सब लोग इनको याद करते हैं, फिर से हम इनके दोनों विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से, और जिन पार्टी के मित्र साथियों ने आयोजन किया विशेष रूप से इनका मैं हृदय। तो आपने देखा कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और किस तरीके से जो महात्मा गांधी का जो जयंती है उनके बारे में उन्होंने समझाया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 प्रिंस मिश्रा पटना।